नमस्कार, मेरा नाम है सलोनी सिंह। आप देख रहे हैं दैनिक सर्वर बुलेटिन। आइए जानते हैं हम एसपी ऑफिस आए थे इन लोगों से। मैं सुरेश पाल हूँ, बोकड़ी वार्ड नंबर 1 से सभासद हूँ। आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हो सर? हमारे गांव में एक नाले का जो पाइपलाइन का निर्माण हो रहा था, उसके जो दलित समाज में जो नेहरू चौक से जाट समाज है वहाँ पे तालाब में काफी पानी है, उसमें पानी निकालने के लिए उन्होंने हमारे एससी समाज जो समाज है उधर पहले ही नाले बने हुए और भवे हैं, उनमें पानी डालने का प्रयास कर रहे थे। उस विरोध में कप्तान जी से आए थे और हमारे साथ कुछ जो राजेश है जो सिम सभासद है उसने हमारे साथ मारपीट करने का प्रयास करा और मारपीट करी भी, गाली गलौज की, और इस प्रयास में हम आए थे यहाँ पे। आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि क्या जो कस्बे के कुछ लोग हैं दलित समाज, वो भी तो टैक्स देते होंगे। सारे विकास कार्य एक ही समाज को समर्पित कर दिए गए हैं, और जो पानी जाट समाज के तालाब में है उन्होंने अपने तालाब तो घेर लिए, और वो पानी हमारे यहाँ पे हमारे मोहल्ले में भरने की कोशिश करी जा रही है। ऐसा हम बिल्कुल ही होने नहीं देंगे। एक सरकारी नाली पहले से छुटी हुई है जो तालाब का पानी निकासी के लिए, उसमें वो अपना पानी निकाल लें, हम उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे एसपी कार्यालय आए थे, यहाँ पे क्या हुआ? हमारे साथ जो हमारे वार्ड सभा सदस्य सुदेश पाल और बबलू के साथ जिस दिन एक समझौता मीटिंग रखी गई थी, उसमें शासन प्रशासन के लोग थे, उस दौरान हमारे साथ बदतमीजी की गई और उल्टे हमारे खिलाफ ही, हम अपनी बात रख रहे हमारे खिलाफ ही मुकदमे कर दिए गए। तो इस मुकदमे को हम वापसी के लिए कप्तान साहब के आए थे कि फर्जी मुकदमे ना हो, जांच करी जाए और सही कार्रवाई हो। आपके पक्ष में हुआ? अभी आश्वासन दिया है कप्तान साहब ने कि मैं इस चीज को अपने संज्ञान में लूंगा और जल्दी सही कार्रवाई होगी। मैं तो ये कहना चाह रहा जी, वहाँ नाला बन रहा, वो नाला पहले से भरा रहा है, वहाँ से जो सरकारी नाली है वहाँ जाट समाज ने सारी काट दी, जो पहले से सदियों से चलती आ रही वो खेतों वालों किसानों को काट दी, तो वहाँ जबरन नाले में गिरा जा रहा हमारा पाइप, वहाँ पानी पहले से भरा रहा है गलियों में, मोहल्ले नौ नौ गली हमारी, उनमें गड्ढो गड्ढो पानी रहा है, घरों में भी पानी रहा है। तो हम तो ये चाह रहे हैं जो सरकारी जहाँ नाली थी वो पानी हुई उसी जोड़ में जाना चाहिए। यहाँ पे पहले जा रहा है गाँव से बाहर नाली है वह सरकारी, वह किसानों ने सब नो आट दी। आपके खिलाफ का मुकदमे हुए हैं? वे मुकदमे वापसी होने चाहिए हमारे, ये मौजूदगी में एसओ की मौजूदगी में हमारे पर मार पिटाई हुई जा रही, एसओ हुई खड़ा था, उन लोगों को रोक रहा नहीं और हमारे लोगों को टंडे बजा रहा ऐसो, वहाँ का वो सस्पेंड होना चाहिए, उसके लाइन हाजिर होना चाहिए वहाँ से, वो आदमी सही नहीं, किसी और को वहाँ से उस सीट पर रखना चाहिए। कौन सा थाने का? भोपा थाना जी। आपकी वहाँ पे कुछ नहीं चली? कोई सुनाई नहीं हुई जी, बिल्कुल भी। जो कस्बा भोकरेडी में ही जिस तालाब से पानी निकलना जा रहा वो गहर में है, और जहाँ पानी डाला जा रहा वो ऊंचे पे है, तो पहली बात तो जबरदस्ती मोटर के द्वारा पानी निकलना जा रहा है, ये सही नहीं है। जाट समाज में ही एक तालाब खाली पड़ा हुआ है ईदगाह के पीछे, वो तालाब बिल्कुल सूखा पड़ा है, उसमें पानी निकाल नहीं रहे, तो यानी कि सोची समझी साजिश है कि जबरदस्ती पानी आप अपने यहाँ पे ना डाल के दूसरी तरफ पानी ट्रांसफर करो, कि जो सूखा तालाब पड़ा है उसे भी घेरने की साजिश करी जा रही है, उसे भी घेरे, जो तालाब सूखा पड़ा है उसमें पानी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उसमें पानी पहुँचा नहीं रहे। तो हमारी यही मांग है जो जैसी व्यवस्था सही है भौगोलिक स्थिति के आधार पर उसे कराया जाए। ये मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार कहती है कि लोगों साफ सफाई का ध्यान रखें, दलितों का उत्पीड़न ना कहीं हो, पर मैं तो देख रहा हूँ कि सरकार में ज़्यादा ही उत्पीड़न दलितों का हो रहा है। अब 17 तारीख की घटना है, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, कार्रवाई हुई थी हमारी तरफ से, मुकदमा हुआ था और हमारे लोगों पर 18 लोगों पर 4 के नाम दर्ज और अज्ञात में लेकर के जो मुकदमा हुआ है, आज कप्तान साहब के पास हम यहाँ आए हैं बड़ी तादाद में। हम ये चाहते हैं कि फर्जी मुकदमा हमारे से वापस लिया जाए और हमें इंसान मिले, जो नाले का जो निर्माण है वो तत्काल रोक दिया जाए, नहीं तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो समय में जो वर्तमान में ऐसी समस्या बनी हुई है कि वहाँ एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं है, ऐसा ना हो कि कल को कोई बड़ी घटना वहाँ पर हो जाए। साफ साफ मैं इसी लफ्जों में कहना चाहता हूँ कि सरकार इस मामले को संज्ञान में लेकर के जल्दी से जल्दी वहाँ कोई ऐसा कदम उठाए कि जिससे कि उस काम का निस्तारण हो, नहीं तो वहाँ बड़ी घटना होने का खतरा है, क्योंकि वे दबंग टाइप लोग हैं, हमें वहाँ पर परेशान करते हैं। कौन से गांव? भोकरडी। देखिए तो कह दिया, जो कहने का और नहीं क्या। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है, मैं भोकरडी का रहने वाला हूँ। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हम यहाँ से अब जब DM कार्यालय पर जाएंगे अपनी बात वहाँ पर भी रखेंगे, ये जाँच करें,
जो भी ये मसला चल रहा है शांतिपूर्वक बैठ के इस मसले को हल करें। अश्वनी कुमार, आपका नाम क्या है? अश्वनी कुमार। घटना है ये हमारा जो पाइपलाइन का घटना क्रम है सारा, हमारे जो यहाँ से नाला खुदा हुआ है वो बहुत चौड़ा है हमारे यहाँ से सामने से, और जो पीछे से है वो बहुत मतलब है ही नहीं, अगर है भी है तो नाम मात्र के लिए भरक का है। उसमें अपने जो उन लोगों ने जल भराव के लिए तालाब छूटे हुए हैं उनके, उसको उसे तो आँट आँट के लोगों ने अपने घर बना लिए, पानी तो सड़क पे आएगा ही। हाँ जी। अब उसे निकालने के लिए जो पहले से उनकी प्रस्तावित नाली है सरकारी है वो परली साइड से है, उनकी दूसरी साइड से उन लोगों के खेत में, तो उन्होंने उसे जो ढावा के तो खेत में अपनी जुताई कर रहे हैं। अब जो ये पाइप लाइन है हमारे घर के सामने तो दाब रहे हैं, अब उससे दाबने से फायदा क्या है? फायदा तो उन लोगों का तो फायदा, हमारा नुकसान है ना, जो हमारे पहले से ही नाले हैं तो ओवर फ्लो चल रहे हैं, लेवल चल रहा है पहले से। अगर 10 मिनट की बारिश पड़ जाए आज भी तो हमारे यहाँ दो दो तीन तीन पानी भर जाते, वो भी घर में भी पानी आता है। तो अगर अभी से इतना पानी है नहीं तो वो तो पहले से ही जब बाहर है तो आने जाने में ऐसी लोगों को प्रॉब्लम होती है, आने जाने में इतनी प्रॉब्लम है कि अगर 10 मिनट बारिश भर जाए तो गांव के पता नहीं कौन से चक्कर काट के मिल जाए। आपकी समस्या और बढ़ाई जाए और बढ़ाई क्या, वो तो बिल्कुल डुबाने का काम कर रहे हैं कि बस ये सोच रहे हैं कि हम लोग तो यहाँ पे रहते ही नहीं है, कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। अब आप एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई हम जांच करेंगे, हम लोगों पे मुकदमा भी हुआ है, हमने उसके लिए एप्लीकेशन दिया है कि वापस हो, हम ही पीड़ित है और हमारे ऊपर ही मुकदमे हो रहे हैं। तो अगर आपकी समस्या पूरी नहीं होगी तो आप क्या? अगर हमारी समस्या पूरी नहीं होती तो हम उसके लिए आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जो हमें करना जरूरी है क्योंकि उसके बिना हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आप देख रहे हैं दैनिक सर्वे बुलेटिन, नमस्कार।